ओम शांति। आज साकार महावाक्य 28/6/2024 मधुर संतान माने शरीर सहित जहाँ किसी भी देखा मिलू से सब विनाश हो तुम आत्मा मान को एवं घर को फेरी जावाक से पुराणा दुनिया को भूली जाओ। प्रश्न, तुम्हें पाने के शब्द से समस्त को बाबा संदेश शुणाई पार? उत्तर, समस्त को एक कथा सुना जे बेहदर पिता बेहदर अविनाशी संपत्ति देवाई आसी एवं हद्र अर्थात अल्प कालर संपत्ति पाइबा शेष है अर्थात भक्ति शेष है एवं रावण राज्य समाप्त होगा जाऊँगी। बाबा तुमको पांच विकार रूपी रावण जेल रु मुक्त करने आसी पुरुषोत्तम संगम युग एथिरे तुमको पुरुषार्थ कर दैवी गुण संपन्न होगा पड़ब। तेणु केवल जदि पुरुषोत्तम संगम युग को जाणीव तेबे भी तुम स्थिति श्रेष्ठ हो पार। ओम शांति। एवं आत्मिक पाने कौन करचारी स्मृति में बसी गोटी है व्यभिचारी स्मृति अंटी अभिचारी स्मृति। अभिचारी स्मृति अथवा अभिचारी भक्ति जेबे प्रथमे आरंभ होता है से प्रथमे प्रथमे शिवंकर पूजा करच रु उच्च भगवान अटंती से पिता एवं शिक्षक अटंती जे कि आम मानक पाठ पढ़ाऊ कौन पढ़ाऊ मनुष्य देवता करुँच देवतार मनुष्य होगापाई तुम मानक 84 जन्म लगुच पुणी मनुष्य देवता होगापाई गोटे सेकेंड लगुच एक कथा पिला माने जानी आमे बाबांकर स्मृति रे बसी छु सी आमर शिक्षक एवं सतगुरु अटंती। बाबा आमको योग सिखाउछंती कहउछंती केवल जणकर स्मृति रे रह सी निजे कहउछंती हे आत्मा माने हे संतान माने देह सहित देहर सबु संबंध को छाड़ एबे आमको घर को जीवा को हेबो यही पुराणा दुनिया वर्तमान परिवर्तन होठारे रहीबार ना पुराणा दुनिया विनाशपी ही बारूद आदि तैयारी करनाशपी प्राकृतिक विपर्य करनाश तो निश्चित हो तुम्हें एवं पुरुषोत्तम संगम जुगरे अच्छा एक आत्मा जाणी आम एवं घर को फेरी जीवु से बाबा कहते पुराणा दुनिया पुराणा देह को छाड़ा पड़ो देह सहित जहाँ भी यही दुनिया रे देखु सब विनाश हो शरीर शेष होम आत्मा मान घर को फेरवा को घर को जीवा बिना आम नुआ दुनिया को आसी पारिबा नहीं एवं तुम्हें पुरुषोत्तम होगापी पुरुषार्थ करुछ यही देवता माने पुरुषोत्तम अटंती सबुठारु उच्चरु उच्च होउछन्ति निराकार बाबा एवं मनुष्य सृष्टिर देवता माने उच्च से माने मध्य मनुष्य अटंती किंतु से माने हेले दैवी गुणयुक्त पुणी से माने ही आसुरी गुणधारी हो जाइछन्ति पुणी आसुरी गुणधारी रु दैवी गुणधारी हेबा को पड़िबो सत्यजुग को जीवा को पड़िबो काहाकु तुम पिला मानंकु तुम्हे माने एबे निजे ई पाठ पढ़ी पुणी अन्य मानको मध्य पढ़ाउछ तुमको केवल बाबांकर संदेश ही देवा को हेबो बेहदर बाबा बेहदर संपत्ति देवाई आसी एबे हद्र वर्षा शेष होगा जाऊँगी। बाबा बुझाऊ एबे सब मनुष्य माने पांच विकार रूपी रावण जेल रे अच्छा समस्ते दुख भोग करमको एवं सुखिला रुटी मिलू बाबा आसी समस्त को रावण जेल रु मुकुलाई सदा सर्वदा सुखी करुछंदी बाबा व्यतीत मनुष्य को कही भी देवता करिपारिबे नाही तुम्हें मनुष्य रु देवता हेबापाई एठारे बसी छ वर्तमान कलि युग एठारे अनेक धर्म होइगलाणी तुम मानक रचयिता एवं रचनार परिचय स्वयं बाबा बसी देउछंदी तुम्हें केवल ईश्वर परमात्मा बोली कहुथिल तुमको एक कथा जणा नथिला जे से पिता शिक्षक एवं गुरु मध्य अटंती तांको सद्गुरु बोली मध्य कहा जाउछि तांको अकाल मूरत मध्य कहा जाय थाए तुमको आत्मा एवं जीव बोली कहा जाए से अकाल मूरत आत्मा एही शरीर रूपी सिंहासन रे बसीछि
बाबा जन्म मृत्यु रे आसु नहांती ए अकाल मुरत बाबा पिला माननको बुझाउ चंती मोर निजर शरीर नाही मु तुम माननको पवित्र किपरि करबी मोर तो रथ दरकार ना अकाल मुरतंको भी सिंहासन दरकार मनुष्य मानकर ही अकाल तखत थाए अकाहार नुहे तुम्हें समस्त को आत्मरूपी सिंहासन आवश्यकता रही जेउठारे अकाल मुरत आत्मा विराजमान होइथाय से समस्त पिता तांको महाकाल मध्य कहा जाउछि जे कि पुनर्जन्मरे आसु नहाती तुम्हें आत्मा माने पुनर्जन्मरे आसुछ मु कल्पर संगम जुगरे आसुछि भक्ति को रात्रि एवं ज्ञान को दिन कहा जाइथाय एही कथा को पक्का मने रखिबा को हेबो मुख्य दुईटी कथा हैला अलग एवं बे बाबा एवं बादशाही बाबा आसी आमको राजत्व देउछंती एवं सेही राजत्व ही पाई आमको पाठ पढ़ाउछंती सेतिपई एठाकु पाठशाला मध्य कहा जाउछि भगवान उवाच भगवान तो निराकार किंतु तांकर मध्य पाठ रहिबा दरकार से होउछंती उच्चरु उच्च भगवान तांकु समस्ते मने पकाउछंती बाबा कहउछंती एभळी कोनोसी मनुष्य नथिबे जे कि भक्ति मार्ग रे तांकु मने पकाउ नथिबे आंतरिकतार सहित समस्ते डाकुछंती हे भगवान हे मुक्तिदाता हे ईश्वर पिता कहीं से होउछंती सब आत्मा मानंकर पिता तेणु निश्चित भावरे से अविनाशी सुख देउथिबे विनाशी पिता विनाशी सुख देथांती एकथा केही जानि नहांती एबे बापा आसीछंती कहउछंती पिला माने अन्य सब सांग छाड़ी केवल मोते मने पकाओ एकथा मध्य बाबा कहउछंती जे तुमे देवी देवता माने नुआ दुनिया रे रहुथिलो सेठारे तो असरंती सुख थिला तार अंत तुमे पाई परिबो नाही नुआ घरे सर्वदा सुख एवं पुरुणा घरे दुख होइथाए सेतिपई तो बाबा पिला मानंक पई नुआ घर तयारी करुछंती तेणु पिला मानंक बुद्धि जोग एबे नुआ घर को चली जाउछी एहा हिला विनाशी कथा वर्तमान अविनाशी बाबा नुआ दुनिया रा स्थापना करुछंती पुरुणा दुनिया रे जहा किछि भी देखुछ ताहा सब कब्रस्थान हेबार अछि एबे परिस्थान रा स्थापना हेउछि तुमे वर्तमान संगम जुगरे अछ तुमे कली जुग देखि पारिबो एवं सत्य जुग को मध्य देखि पारिबो तुमे संगम जुगरे सब किछि साखी होई देखुछ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम बुझिबा को आसुछंती तेबे तांको मध्य तुमे संगम जुगर चित्र निकट रे छिड़ा करि दियो सेमानंको बुझाओ जे एपटे कली जुग सेपटे सत्य जुग रहिछि आमे एबे एहार मझिरे अछु बाबा नुआ दुनिया स्थापन करुछंती सेठारे बहुत कम मनुष्य रहिबे आ कोनोसी भी धर्मर आत्मा माने सेठाकु आसीबे नाही केवल तुमे ही प्रथमे प्रथमे आसुछ एबे स्वर्ग को जीवा पाई पुरुषार्थ करुछ पवित्र करिबा पाई मोते डाकुछ जे हे बाबा आमको पवित्र करी पवित्र दुनिया को नेई चालो एपरी कहुना हो जे शांति धाम को नेई चालो परम धाम को शांति धाम कहा जाय थाए एबे आमको घर को जीवा को हेबो जहाँ को शांति धाम कहा जाय थाए जेउथि पई सन्यासी आदि शिक्षा देउछंती से माने सुख धाम रो ज्ञान देई परिबे नाही से माने निवृत्ति मार्गी अटंती तुम मानंकु बुझा जाउछि केउँ केउँ धर्म केबे केबे आसुछि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष रे सर्वप्रथम मूल दुआ तुमर अटे बीज को वृक्षपति कहा जाय थाए बापा कहउछंती मु वृक्षपति उपरे निवास करुछि जेतेबेले वृक्षर एकदम जीर्णशीर्ण अवस्था होई जाय थाए सेतेबेले मु देवता धर्म स्थापन करिबा पई आसे कलिकतार बटवृक्ष एक आश्चर्यजनक वृक्ष एठारे बिना मूल द्वारे सारा वृक्ष छिड़ा होइछि ठीक सेहीपरि एही सृष्टि रूपी बेहदर वृक्ष रे मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्म नाही बाकी सबु धर्म रहिछि तुम्हें माने ब्रह्मलोकर निवासी थिल सेठारु तुम्हें अभिनय करिबा पई एठाको आसुछ तुम्हें माने ऑलराउंडर अभिनेता अट सेतिपई अति बेसी रे 84 जन्म नेउछ पुणी अति कम रे गोटे जन्म मध्य रहिछि किंतु मनुष्य माने 84 लक्ष जन्म बोली कहि देउछंती एहा मध्य केउ माने नेबे एकथा मध्य बुझि पारु नाहांती
बाबा आसी तुम मानक बुझाऊँ चौरासी जन्म तुम्हें ने सर्वप्रथमे तुम्हें मोठारु अलग हो प्रथमे सत्यजुगी देवता होते बड़े यही आत्मा मैंने सेठे अभिनय करते बड़े बाकी सब आत्मा मैंने केड़े जाता तुम्हें जाच बाकी सब आत्मा मैंने शांतिधाम रही था तेणु शांतिधाम अलग है ना बाकी दुनिया तो गोटे यहीठे ही समस्ते अभिनय करुआ दुनिया में सुखर अभिनय पुराणा दुनिया में दुखर अभिनय करने को पड़ी यह सुख एवं दुखर खेल अटे सत्यजुग है रामराज्य एक दुनिया में कहीं भी मनुष्य जाणी नाजे सृष्टि चक्र किपर घूरी थाए एम ना रचयिता ना रचनार आदि अंत को जाणी एकमात्र बाबा को ही ज्ञानर सगर बोली कहुए रचयिता एवं रचनार आदि अंतर ज्ञान कौन सी शास्त्र में ना मु तुम मानक शुणाऊँ पुणी यही ज्ञान प्राय लोप हो जाऊँगी सत्ययुगर यह ज्ञान रही भारत ने प्राचीन सहज राजयोगर गायन रही गीतारे राजयोगर नाम अच्छी बाबा तुमको राजयोग शिखाई राजत्वर वर्षा दे बाकी रचना ठारु वर्षा मिल पार ना वर्षा एकमात्र रचयिता बाबा ठार् मिलू प्रत्येक मनुष्य सृष्टिकर्ता अटंती कहीं निज संतान रचना करेणु से मैने हदर ब्रह्मा एवं ये हेले बेहदर ब्रह्मा सी हूँ निराकार आत्मा मानकर पिता ये लौकिक पिता ये पुणी प्रजापिता ब्रह्मा अटंती प्रजापिता केतेबेले हेबा दरकार कण सत्ययुगरे ना पुरुषोत्तम संगम युगरे हेबा दरकार मनुष्य माने एकथा मध्य जानि नाहंती जे सत्ययुग केबे होइथाय से माने सत्ययुग कलियुग इत्यादि को लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहि देउछंती बाबा बुझाउछंती गोटी युग 1250 वर्षर होइथाय 84 जन्मर हिसाब मध्य दरकार ना सीढ़ीर मध्य हिसाब दरकार आम किपर तल को ओह्लाऊ देवी देवता माने आमर प्रथम मूल दुआ अटंती पुणि पुणी इस्लामी बोधी माने आसुचंती बाबा कल्पवृक्षर रहस्य को मध्य बुझाई एक बाबा व्यतीत आउ कहीं भी शिखाई पारे ना तुमको पचारुचंती यह चित्र आदि किपर तैयारी कल किए शिखाइला तांको कह बाबा आमको ध्यान देखाइले एवं आमे तैयारी कलु पुणी बाबा ही रथरे आसी यही चित्रर संशोधन करुछंती जे एही भड़ी तैयारी कर बाबा स्वयं संशोधन करुछंती कृष्ण को श्याम सुंदर कहुछंती किंतु मनुष्य माने बुझी पारु नांती जे काहेके कहा जाउछी ये वैकुंठर मालिक थिबा समय पवित्र गोरा थिले पुणी अपवित्र हेबा द्वारा श्यामल होइगले सेतिपई तांको श्याम सुंदर कहुछंती यही प्रथमे सत्ययुगरे आसुछंती तत्त्वम यही लक्ष्मीनारायण राजत्व चलुची किए आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करुछंती एक जना ना भारत को बुली निजक हिंदुस्तान बासिंदा बोली कहीदे बाबा कहते मु भारत में ही आसुची भारत में देवता मानकर राज्य थिला जहाँ प्राय लोप हो जाइछि पुणी थरे स्थापना करने प्रथमे प्रथमे आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना होती सृष्टि रूप वृक्षर वृद्धि हो चली नुआ नुआ धर्म मठ पंथ इत्यादि अंतिम समय आसुची तेणु यार शोभा बढ़ी जाऊँगी पुणी अंतिम समय सारा वृक्षर जेब जीर्णशीर्ण अवस्था हो जाते मुसुची यदा यदा ही धर्म से आत्मा निज को भी जाणिना एवं बाबा को मध्य जाणिना निज को एवं देवता मानू गाली दे बाबा को मध्य गाली देते बड़े समस्ते तम प्रधान अज्ञान हो जाते बड़े मुसुची समस्त को सबु दुखर दूर करदे अधाकल्पाई से वंदे मातरम गायन अच्छी ना एम केता जहाँ वंदना करुं तुम्हें ही हो माता जी की सारा सृष्टि को स्वर्ग करदे जदिओ पुरुष मैंने किंतु अधिकांश माता अच्छा से बाबा माता मानकर महिमा करुछंती
बाबा आसी तुमको केते महिमा यज्ञ करुछंती। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश एक नंबर अपार सुखर दुनिया को जीवा पाई संगम जुगर स्मृति रे रहिबा को हेबो। साखी हुई सबु किछि देखिबा सहित निजर बुद्धि जोग को नुआ दुनिया सहित जोड़ीबा को हेबो। बुद्धि रे रहुचे एबे आमे घर को फेरिबो। दुई नंबर समस्त को जीवदान देबा को हेबो। मनुष्य रु देवता करिबार सेवा करिबा को हेबो। बेहद्र बाबांक ठारु पाठ पढ़ी अन्य मानको पढ़ाइबा को हेबो। नीचे दैवी गुण को धारण करने सहित अन्य मानको मध्य कराइबा को हेबो। बरदान सर्वदा श्रेष्ठ समय अनुसार श्रेष्ठ कर्म करी बाहा बाहर गीत गाउथिबा भाग्यवान आत्मा हुओ। एही श्रेष्ठ समय रे सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करी बाहा बाहर गीत मने मने गाउथा। बाहा मोर श्रेष्ठ कर्म बा बाहा श्रेष्ठ कर्म सिखाइथिबा बाबा। तेणु सर्वदा बाहा बाहर गीत गाउथा। केबे भूल ले भी दुखर दृश्य गुड़ को देखुथिले मध्य मुखरु हाय शब्द बाहरिबा उचित नुहे। बाहा ड्रामा बाहा एवं बाहा बाबा बाहा। जहाँ स्वप्न रे मध्य नथिला सेही भली भाग्य खरे बसी मिलीगला। तेणु सर्वदा एही भाग्यर निशारे रुह। स्लोगान जदि निजर मनबुद्धि को शक्तिशाली करदेव तेबे जे कोनोसी हलचल परिस्थिति रे मध्य अचल अटल रही पारिबो। ओम शांति।